मेरा नाम है नितिन शर्मा है, मैं पिछले 6 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। लगभग 1.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट हमने तैयार किया अभी तक, है ना। तो तैयार करने से पहले सर के क्वेश्चन को एक बार दोबारा दोहराऊंगा। ये दोहराने का मतलब देखो, स्कूल मैनेजमेंट का और आपका सभी का आभार सबसे पहले तो कि आपने मेरा समय दिया। आपके पढ़ाई के वैल्यूएबल टाइम में सर ने टाइम खराब करने के लिए तो बुलाया नहीं होगा, लगता है किसी को बुलाया होगा ना। अगर यहाँ बुलाया है तो कोई ना कोई बहुत बड़ा रीजन होगा उसका, क्लियर है। तो सबसे पहले मैं जो आपसे पूछूं जिससे भी रिलेट हो, ईमानदारी से हाथ खड़े करना। जो आप खड़े करेगा उसकी वो समस्या का समाधान मेरे पास है, जो नहीं खड़े करेगा मैं मान लूंगा उसकी प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है। ईमानदारी से बताओ, ऐसे कितने बच्चे हैं जो याद करने की कोशिश तो बहुत करते हैं पर सारा कमर किताब याद नहीं होती। अरे वाह, सारे सारे मेरी किताब लिखी है, मुझे भी याद नहीं होती थी। चलो, कुछ बच्चों ने हाथ खड़े नहीं किया, दोबारा पूछते हैं एक और क्वेश्चन। ऐसे कितने बच्चे हैं जो हर्टली दिल से याद तो कर ली पूरी बुक, क्लियर है, किताब पूरी याद कर ली। अब जैसे जैसे मान लो मई में एग्जाम है, जैसे जैसे अप्रैल जाएगा तो ऐसा लगेगा कि यार मैं भूल रहा हूँ, मैं भूल रहा हूँ, मैं भूल रहा हूँ। ऐसे कितने बच्चे हैं? अरे वाह, सभी सभी मेरी तरह है ना। चलो, एक विशेष प्रॉब्लम मेरे को हुआ करती थी, आप जैसे कितने बच्चों को मैं जानना चाहूंगा कि जैसे ही एग्जाम देने आते थे एक बेचैनी सी हो जाती थी। मेरे साथ ये होता था कि मैं यूँ लिखता था, यहाँ से नारियल पानी की तरह पानी निकलता था और किताब भीग जाती थी और आंसर शीट भीग जाती थी। होता है किसी के साथ पसीने आना, हाथों में पसीने आना, घबराहट होना, अरे वाह भाई आप हो गया होगा, फिर तो मैं बड़ी घबराहट लेके आ। चलिए कोई नहीं, अब ऐसा कितने बच्चे चाहते हैं रियल में कि किताब को ये उठाया, ये बुक है और उसमें लहराया, हवा ली, एक मिनट किताब को सारे आसान इधर हवा ली, फिर किताब की पिक्चर याद, कैसा, कितने बच्चे चाहते हैं? कौन नहीं चाहता है, मतलब पढ़ना कोई नहीं चाहता, सब फिल्म करके याद करना चाहते हैं, क्लियर है, है ना। लेकिन ये मजाक नहीं है, क्या ये मजाक नहीं है। हमारे जापान में, मलेशिया में, यूएसए में किताबों को ऐसे ही पढ़ा जाता है, हमारे यहाँ रट्टा पद्धति है। आज के 20 साल पहले जब मैं 10th में हुआ करता था तब 11th में वही सब्जेक्ट लेते थे, वही आप लेंगे। 20 साल होने के बाद ही आज एजुकेशन में कोई चेंजेस नहीं है, जबकि बाहर किताब में फ्लिप करके सार याद कर लेते हैं और यूं करके उसका पिक्चर याद कर लेते हैं। तो ऐसा सभी चाहते हैं? Yes, sir. ऐसा पॉसिबल है? Yes, sir. पॉसिबल है? Yes, sir. कैसे पॉसिबल है? नहीं है ना। चलो मैं अपनी बात को आपको बताऊं, बॉस किसको यकीन है कि ऐसा हो सकता है? किताब को इधर ले रहा है सार याद हो जाए, इधर ले रहा है पिक्चर याद हो जाए, पढ़ना ही ना पड़े, किसको यकीन है ऐसा? अभी तो बोल रहे थे यस सर, हम चाहते हैं। अच्छा, अगर ऐसा हो पाए तो कितने लोग चाहेंगे ऐसा अपने ब्रेन को डेवलप करना? सभी चाहेंगे। अब मैं बोल दूं ऐसा हो जाएगा, सब मानेंगे? मान लोगे? मान लोगे क्या? हम इंडियंस बिना देखे तो मानते ही नहीं है। तो सबसे पहले एक ऐसा लाइव डेमोस्ट्रेट देखा जाए कि यार ऐसा पॉसिबल भी है क्या, देखना चाहिए, फिर उस चीज को समझे कि हाँ यार ऐसा हो सकता है, हमने आंखों से देखा है तो हमें ये काम करना चाहिए, क्लियर है, क्लियर है। तो मैं आपके सामने ऐसे बच्चे को प्रेजेंट करूंगा जो केवल 6 साल का है, लग रहा है ना, नटकर सभी 6 साल का कंप्लीट हुआ है 9th मार्च को, परसों ही, आज 10th मार्च, कल की बात है ना। इसकी आंखों के ऊपर अगर मैं कोटर लगा दूं, कोटर समझते हैं, रुई लगा दो और फिर पट्टी और बांध दूं, तो पॉसिबल है कि कोई कलर पहचान ले या किताब को पढ़ भी ले? नहीं है पॉसिबल। और अगर ऐसा हुआ, ये अवेंजर जैसी ताकत, ये क्रिस जैसी ताकत, ये हल जैसी पावर आपको भी चाहिए फिर, या इसी को चाहिए? आपकी स्कूल से मेरे पास में लगभग 8 से 10 स्टूडेंट आते हैं और ऐसा कर पा रहे हैं, आपको पता है उनके बारे में? कौन आ रहे हैं? कौन आ रहे हैं बोलो ना, शर्मा क्यों? दिव्यांश आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और हमारे स्कूल डायरेक्टर की बच्ची भी आ रही है, नीरज भी आ रहा है, नीरज भी आ रहा है, गणेश भी आ रहा है, ये लोग ऐसा कर पा रहे हैं। अभी पूछना आप इनको कि ये आंख बंद करके इन चीजों को देख पाते हैं। मेरा दुकान पे ही सेंटर है, ज्यादा दूर नहीं है, और हम लोग आपके स्कूल में डायरेक्टर सेंटर मतलब क्लासेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे सर है संगीत डायरेक्टर साहब महेंद्र जी, उनकी बेटी आराध्या भी क्लासेस लेती है, वो भी आप बनते कीजिए। तो पहले डेमो देखिए और फिर समझे कि इसके पीछे साइंस क्या है, समझ आएगा। तो बुलाऊं उस बच्चे को, उससे पहले आप में से एक लड़का और एक लड़की कोई भी आए, मैं उनकी आंखों पे कोटर लगाऊंगा, क्या वो देख पाते हैं? अगर वो नहीं देख पाते तो ये भी नहीं देख पाएगा, क्लियर है। नहीं तो ऐसे सोचोगे आप पता नहीं कुछ छेद कर रखा होगा, दिख जाता होगा। एक आप बोलो, एक आप बोलो, आप बोलेंगे रटा के रख रखा है, तो आप में से कोई बच्चे से कोई भी कलर पकड़ा दीजिए, फिर कार्ड्स एनी कलर इसके हाथ में दीजिए। विच कलर एकदम येलो वाले हो जाए,
आप इधर देखिए। मैं इसलिए नहीं दे रहा कि यार से बोले कि पहले ये तो रटाया था फिर ये रटाया था ना, आप मर्जी से अपने कलर निकाल के दीजिए भाई। वेरी गुड। आप चाहे तो कोई भी कार्ड्स भी दे सकते हैं या फिर कोई लिख कर भी दे सकता है। आप अपने आप को कोई भी किसी कागज पे लाइक दैट, आप थोड़ा सा बड़े अक्षरों में लिख करके भी दे सकते हैं, अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल। लव सॉरी दे दो। तालियां नहीं बजती बच्चे के लिए। गिफ्ट कितने गिफ्ट हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ओके, एंड पीछे क्या है? एट। ये गिफ्ट है। वो आप ये बुक भी लेता हूँ, इसमें से भी अपन कुछ भी पूछ सकते हैं। ये आप ही की बुक है। यहाँ क्या लिखा हुआ बेटी? आपकी स्कूल की है? किसी को लिखना है कुछ? ये गिव साइलेंस। अगर आपको पावर चाहिए? हाँ, घोड़ा। बड़ा भी घड़ी। और लिखा हुआ क्या है? WATCH घड़ी। WATCH है ना? क्योंकि बिना मैं दिखाया आपको प्रूव नहीं कर सकता था कि किताब को लहरा के भी उसका सार याद किया जा सकता है। क्लियर है? फिर अपन साइंस में धीरज कहाँ है? आधा धीरज आप ही स्टूडेंट को खड़ा करते हैं, ये भी ऐसा कर पाएगा। चलो इसमें तो चलो बेटों से हर संडे हमारे स्कूल में लेके आते हैं, फिर लेके जाते हैं। अगर ऐसा होता तो वो कभी नहीं करते, पॉसिबल है ना? तो मेरा आने का रीजन सिर्फ यही है कि ये सब पॉसिबल है। आज हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो रट्टा पद्धति की रट रहे ना, इसके अलावा कोई याद नहीं करते। रटते हैं रटते हैं रटते रटते। अभी अवेंजर सबकी देखी हुई है, मूवी सबकी देखी हुई है। मूवी हमें आज भी याद है जबकि हमने कभी मूवी देखने के आने के बाद डिस्कस नहीं किया, याद नहीं किया, रटा भी नहीं, फिर भी सबको याद है मूवी, चाहे 5 साल पहले देखे। ऐसा मतलब ब्रेन में तो पावर है चीजों को याद करने की, लेकिन किताबें याद नहीं होती क्योंकि हम किताबों को अलग तरीके से पढ़ाई करते हैं, रट्टा पद्धति, रोट लर्निंग। क्यों आज के बच्चे 8-10 साल में गूगल बॉय बन रहे हैं और हम लोग टेंथ करने के ग्रेजुएशन करने के बाद कैरियर सोचते हैं? तो इसके पीछे सारी जानते हैं। हम लोग सबसे पहले आपका फिंगरप्रिंट लेते हैं। क्या लेते हैं? फिंगरप्रिंट। उस प्रक्रिया को बोलते हैं DMIT टेस्ट। कौन सा टेस्ट? DMIT टेस्ट। DMIT टेस्ट। DMIT टेस्ट की फुल फॉर्म है डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? डर्मेटोग्राफिक पॉलीमर्फिज्म, डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट। इस टेस्ट का ये फायदा है, फिंगरप्रिंट लेने के बाद में हमें आपका पूरा ब्रेन का एक्सरे आ जाता है हमारे पास। क्या आ जाता है? ब्रेन का। हमें ये पता लग जाता है कि आप कहीं पापा की डांट, स्कूल की डांट को दिल में तो नहीं लगाते हैं, आपको बोलने में झिझक तो नहीं है, आपको मन संचालन में झिझक तो नहीं है, आप कॉन्फिडेंट की कमी तो नहीं है, या आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर बंद तो नहीं होता है,
या ऐसे बच्चे जो किसी सब्जेक्ट से डरते हैं, वो डरते किस सब्जेक्ट से? कितने बच्चे ऐसे हैं जिसको कोई सब्जेक्ट ही पसंद नहीं है? एसएससी किसको पसंद नहीं है? ओके, साइंस किसको पसंद नहीं है? मैथ किसको नहीं है? संस्कृत सबका अलग अलग है ना? किसी बच्चे को एसएससी बहुत पसंद है, किसी को नहीं है। किसी को साइंस बहुत पसंद है, किसी को मैथ बहुत पसंद है। ऐसा ही है ना, किसी का कोई सब्जेक्ट ऐसा क्यों? क्योंकि हर किसी का ब्रेन अलग टाइप का है। अब यदि किसी को मैथ पसंद है तो उसका कैरियर क्या बनना चाहिए? मैथ में। किसी को साइंस पर, लेकिन हमारे से गलतियां बहुत होती है फ्यूचर में। तो इस टेस्ट के थ्रू पता लग जाता है कि आपको क्या चीज पसंद है और क्या चीज ना पसंद है। आपका कॉन्फिडेंस कैसे जागृत किया जाए, आप कॉन्सेंट्रेट कैसे रहे। पढ़ाई की सबसे प्रॉब्लम बड़ी क्या है? कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हम, यही ना सबसे बड़ी। जब पढ़ने बैठते हैं हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है, यही होता है। इस टेस्ट से पता लगता है कि आपका लर्निंग पैटर्न क्या है। लर्निंग पैटर्न से मतलब है कितने बच्चे ऐसे हैं, ईमानदारी से याद करना, जिनको चुपचाप शांति में बिना बोले बैठ के याद करना पसंद है। जो ऐसा करते हैं चुपचाप एक कमरे में बंद होके या कहीं साइलेंट जगह पे। ओके, कितने बच्चे ऐसे हैं जो हल्का हल्का सब बोल के याद करना पसंद करते हैं? वेरी गुड। कितने बच्चे ऐसे हैं जो लिख करके याद करना पसंद करते हैं? सबका अलग अलग पैटर्न हो गया। अब आपका लर्निंग पैटर्न कौन सा है? लिख करके याद करना, देख करके याद करना, या बोल करके याद करना? यदि ये आपको पता लग जाए कि आपका ब्रेन कैसे याद करता है, तो आपका कंसंट्रेशन कभी भंग नहीं होगा। लेकिन मुझे अगर देख करके याद करना है, मैं बोल बोल करके याद करूंगा, तो मैं याद तो करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मेरा कंसंट्रेशन भंग हो जाएगा, मेरा ध्यान डाइवर्ट होगा और मुझे याद भी नहीं होगा, हेडेक भी होगी। होगा सही लर्निंग पैटर्न पता लगने के बाद में इंसान का कंसंट्रेशन बहुत सही बनता है। हम उसको तरीका बताते हैं कि कैसे आपको याद करना है और किस तरह से पढ़ना है, हम रेमेडीज देते हैं। तो इस टेस्ट से पता लगता है कि आप पैदा किस चीज के लिए हो। आप लेफ्ट ब्रेन डोमिनेटेड है, राइट ब्रेन डोमिनेटेड हो। हमारे इंडिया में भी पता ही नहीं लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन क्या है। अगर बच्चा लेफ्ट ब्रेन डोमिनेटेड है तो वो डेफिनेटली टीचर बनेगा, बैंक सेक्टर में जाएगा, आईएएस बनेगा, आरएएस बनेगा, इस तरह की जॉब करेगा। लेकिन यदि आप राइट ब्रेन डोमिनेटेड है तो आप 100% किसी स्पोर्ट्स फील्ड में जाओगे, आप किसी बिजनेस फील्ड में जाओगे, आप क्रिकेट में जाओगे, आप धनुषवारी में जाओगे, या फिर तीरंदाजी में जाओगे, या फिर शूटिंग में जाओगे। ये इस टेस्ट से पता लगता है। इस टेस्ट से पता लगता है कि आप सोचते कैसे हो, आपके पिताजी और को आपको डांटना कैसे चाहिए, आपकी थॉट क्या है। कई बार आपको नहीं होता, आपकी मम्मी पापा आपको एग्जाम्पल किसी और का देते हैं, आप बोलते हैं मुझे इसका एग्जाम्पल दिया दो, होता है ना सर, और हम मम्मी पापा के सामने होने लग जाते हैं। इस टेस्ट से पता लग जाता है कि आपको किसी के एग्जाम्पल पसंद है या खुद के एग्जाम्पल पसंद है। आप किस टाइप की पर्सनैलिटी, एक बार मैंने सोच लिया तो करना ही है या मुझे नहीं पसंद तो नहीं करना है।